तो स्वागत है भाई लोग न्यू फ्रेश वीडियो में। यार भाई लोग तो रहते लोग फिर से खेलने वाले स्कैरी टीचर 3D। यार भाई लोग सर अभी तो आप लोग को पता अपन लोग क्या है, तो मजेदार चैप्टर प्ले कर रहे हैं लव स्ट्रैटेजी वाले कर गए, जो कि स्कैरी टीचर की लव स्टोरी भी बेस है और इसमें हर बार उसके बॉयफ्रेंड की पिटाई होती है। तो चलो देखते इस बार क्या होता है। तो अभी अपन लोग फटाफट लव स्ट्रक चैप्टर पर चलते और ये कौन सा फोर्थ वाला टास्क होने वाला है ठीक है इस चैप्टर का। एंड चलो अपन लोग देखते आखिरकार इस वाले चैप्टर में क्या करना है। अब भाई मेरा नेट ऑन है, चलो सबसे पहले मैं नेट ऑफ कर लेता हूँ। एंड चलो अभी अपन लोग फटाफट देखते हैं। मिस्टी वांट्स टू लर्न सो डांस विद रोबोट। अच्छा मिस्टी स्कैरी टीचर रोबोट के साथ डांस करने वाली, तो मेरे को क्या करना है अभी अपन लोग इंट्रो में समझ गए। तो ओके फाइनली अपन लोग ने गेम स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ पे मिस्टी एक नोट पढ़ रही है। एंड यहाँ पे साइड में एक क्या रोबोट ही रखा है क्या? हाँ आई थिंक ये रोबोट है। एंड यहाँ पे डांस करने का कोशिश कर रही है इसके साथ। एंड अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे उसने इसके बटन पर प्रेस किया और भाई ये छोटा सा रोबोट इतना बड़ा हो गया। एंड ये डांस कर रही हो भाई साहब रोबोट है। एंड अभी अपन लोग को क्या करना है चलो अपन लोग देखते हैं टास्क में। अभी अपन लोग को सबसे पहले इंट्रो में तो कुछ समझ भी नहीं आया। एंड ओके फाइनली इंट्रो खत्म। एंड अभी अपन लोग को क्या करना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अच्छा मिस्टी का जो रोबोट है वो मतलब कि जो मशीन है आपको पता है जिससे गाना बज रहा है, तो रोबोट ऐसा है ऐसा जो भी गाना बजेगा उसी टाइप का वो डांस करेगा। तो अपन लोग को कोई ऐसा सॉन्ग बजा देना है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब कि इसमें रोबोट बहुत ज़्यादा फास्ट डांस करना लगेगा करने लगेगा और मिस्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी वहाँ पे, मतलब कि मिस्टी पे डांस करते नहीं बनेगा और मिस्टी की बहुत ज़्यादा गंदी वाली धुलाई हो जाएगी। ओके तो मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं यार जो उसमें लगता है मशीन में जिससे गाना बजता है, कैसेट बोलते हैं आई थिंक। हाँ मेरे को उसको फाइंड करना है। ओके एंड स्क्रू ड्राइवर क्यों फाइंड करना है, यहाँ पे हिंट आ गई भाई मेरे को, पहले हिंट मिल गई चलो बढ़िया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते जो पंछी उड़ रहा है ना वो हिंट है। एंड चलो मेरे को क्या करना है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर, अच्छा हाँ स्क्रू ड्राइवर से अपन लोग उसके नट खोल देंगे जो बोल्ट लगे उसके अंदर। एंड फिर अपन लोग उसमें एक कैसेट फिट कर देंगे, दूसरे सॉन्ग की प्ले लिस्ट बोल सकते हो आप लोग उसको, तो उसको अपन लोग फिट कर देंगे एंड फिर मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा। तो मैं फिलहाल ऊपर आ गया हूँ, मेरे को ऊपर कुछ मिलेगा कि नहीं यहाँ पे अपन लोग फाइंड कर लेते फटाफट। तो ये रहा मिस्टी का रूम। एंड यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं यार मेरे को, यार स्क्रू ड्राइवर छोटी छोटी चीज़ चाहिए यार, ये तो कुछ भी कमरे में मिल सकती, कहीं भी कोने में डली मिल सकती, तो इनको अच्छे से फाइंड करना पड़ेगा। एक स्क्रू ड्राइवर कैसेट भी वो छोटी रहती है। एंड मेरे को और क्या फाइंड करना है और मेरे को भी नहीं पता। तो ओके फिलहाल यहाँ पे तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला यार, पूरा आधा फ्लोर चेक कर लिया, मतलब कि ऊपर के आधे कमरे चेक कर लिए। एंड चलो अभी पर लोग यहाँ पर भी देख लेते, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं यार, कैंची वगैरह ये तो कुछ काम भी नहीं आएंगी। मेरे को स्क्रू ड्राइवर चाहिए। बेट टीचर ऊपर आ गई भाई, मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा सबसे पहले। भाई टीचर ऊपर आ गई, मैं मरने वाला हूँ। म्यूजिक रूम है, यहाँ पे कुछ मिलेगा? म्यूजिक रूम में भी कुछ नहीं, लेकिन टीचर यहीं पर आ रही है म्यूजिक रूम में, मेरे को इस कोने में छिपना पड़ेगा। ओके भाई अब मैं गया मेरे को लग रहा है भाई, मतलब कि यार काफ़ी कम पिटाऊँ मैं इसके टीचर से, लेकिन बहुत गंदा मारती है जब भी मारती है। ओके एंड टीचर अभी कहाँ पर है यार, अभी कौन से जिम में है भाई टीचर? अभी जिम में है। एंड अब जिम से सीधा आई थिंक वो म्यूजिक रूम में आएगी। एंड वेट ये कौन से ऑफिस में आ गई, अच्छा ऑफिस के बाद ही तो म्यूजिक रूम है भाई, ये अच्छा है अपने पास कैमरा एंगल है तो पता चल जाता है कि टीचर कहाँ से आ रही है। और फिलहाल और फाइनली यहाँ पे अभी भी म्यूजिक रूम में नहीं है, मैं यहाँ पे छिपा रहता हूँ भाई। आई थिंक मैं बच गया भाई, म्यूजिक रूम में नहीं आएगी तो बच सकता हूँ, बट यार मैं छिपा हूँ, टीचर को देखना तो नहीं चाहिए, मतलब देख नहीं सकती। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टीचर म्यूजिक रूम में आ गई फाइनली, एंड अभी भी म्यूजिक रूम में नहीं आई भाई, मैं मरने वाला हूँ मेरे को लग रहा है आई थिंक। और टीचर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन से रूम में भाई मेरे, और फाइनली म्यूजिक रूम में आ गई। एंड अब मैं मरने, ओ भाई टीचर डांस कर रही है देख रहे हो, ओ भाई साहब क्या तो खतरनाक वाली डांस कर रही है टीचर। एंड अभी अपन लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करते टीचर को यहाँ से निकलने देते भाई, मैं बाल बाल बच गए इस कोने में छिपाऊँ। और फाइनली टीचर यहाँ से चली गई भाई, आज तो पिटते पिटते बच गए अपन लोग। चलो सबसे पहले अपन लोग को क्या स्क्रू ड्राइवर को फाइंड करना है। तो ये कहाँ पर आ गया मैं, ये ऑफिस नहीं, ऑफिस नहीं है, ऐसे ही कमरा है। एंड यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या, स्क्रू ड्राइवर नीचे मिलेगा आई थिंक यार, ऊपर मेरे को कुछ भी नहीं मिला। लिटरली मैंने सारे रूम चेक कर लिए, बस अब एक ऑफिस रह गया और एक दो रूम और रह गए होंगे भाई। मैंने हर अलमारी को चेक कर लिया बट मेरे को अभी भी एक सेकंड ऑफिस में कुछ, एक सेकंड भाई फाइनली मेरे को कैसेट मिल गई जो जिससे सॉन्ग बजता है, दूसरे सॉन्ग की प्लेलिस्ट बोल सकते हो। ओके तो फाइनली ये तो मिल गई 100 वोल्ट की, 100 वोल्ट लिखा है मतलब, अच्छा अपन लोग को करंट भी लग सकता है आई थिंक इसमें, मतलब जब अपन लोग उसमें फिट करेंगे। तो मेरे को एक कटर को भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके एंड यहाँ पे अपन लोग को भी कटर को फाइंड करना है, बाहर कटर को और स्क्रू ड्राइवर को फाइंड करना है, बस ओनली ऑन दो चीज़ें। एंड ओ एक सेकंड अपन लोग फिर से वही रूम में आ गए, मतलब कि अपन लोग ने अब सारे रूम चेक कर लिए। तो अभी अपन लोग फटाफट नीचे चलते, एक कटर और एक स्क्रू ड्राइवर को फाइंड करना है। ओके
तो फिलहाल टीचर नीचे किचन में, तो मैं इस वाले रास्ते से तो नीचे नहीं जा सकता, मैं कहीं से यहीं से जंप मार दूँ क्या सीधा नीचे? एक सेकंड है, मेरे को कोई अच्छी सी जगह से जंप मारना पड़ेगा जहाँ से मेरे को चोट भी ना लगे। हाँ, यहाँ से अपन लोग इस पे जंप मार देंगे, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं ना। हाँ चलो, फाइनली बच गया। एंड टीचर किचन में, भाई वेट वेट, मेरे को यहाँ से छिपके जाना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी जहाँ चल रहा हूँ वो किचन के बाहर साइड वाला रास्ता है। ओके, तो फाइनली अपन लोग आ गए। अब इस वाले रूम में तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए यार। आई थिंक इसी रूम में सारी चीज़ें रखी रहती है, जो कबाड़ वगैरह की चीज़ें, मतलब कि जो ऐसे स्क्रू ड्राइवर वगैरह, कैंची वगैरह जो यूज होती है। और फाइनली कटर मिल गया मेरे को। कौन सा कटर लूँ यार? एक सेकंड, ये वाला कटर रेड वाला मेरे को लग रहा है काम का होगा। एंड इसको एक स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलेगा, एक क्या है, एक सेकंड, हाँ ये पड़ा है स्क्रू ड्राइवर, इसको फटाफट उठा लेते। लेकिन वो अच्छा, वो कुछ और ही चीज़ थी। अच्छा, वो क्या बोलते, लॉक तोड़ने वाली लॉक पिन थी वहाँ पे पीछे डली थी ना, जो हरे कलर की थी। एंड स्क्रू ड्राइवर को उठा लेता हूँ सबसे पहले। उठ जाए यार, क्या हो रहा है। चलो फाइनली स्क्रू ड्राइवर को भी उठा लिया। एंड अब अपने पास टोटल 3 आइटम हो गए जो अपन लोग को यूज करने हैं। एंड बस इतने ही आइटम अपन लोग को चाहिए थे, तो मेरे को इस प्लेलिस्ट यानी कैसेट को बदलना है। एंड फटाफट उसको दूसरी उस वाली कैसेट को बदल के इस वाली कैसेट को फिट कर देना है कोई। एंड चलो फटाफट अपन लोग चलते हैं। बट टीचर आई थिंक अभी, भाई एक सेकंड, टीचर तो सामने ही है जहाँ पर वो प्लेलिस्ट रखी है, गाने बजाने वाली जो मशीन रखी ना, वहीं पर टीचर घूम रही है। वेट यार, अपन लोग पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे लोग थोड़ा टाइम पास करते टीवी बंद ऑन करके। एंड वेट यार, भाई अभी टीचर कहाँ पर घूम रही है? यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, वो सामने देखो जो सोफा रखा है ना, वहीं पर गाने बजाने वाली वो सीन रखी है। एंड मेरे को फटाफट उसमें दूसरी बार, एक सेकंड, टीचर कहीं और चली गई यार आई थिंक। बट यार ये कहाँ पर बैठी है? वेट यार, अभी लोग थोड़ा और वेट करते हैं, टीचर को दूसरे कमरे में जाने देते। और टीचर अब कौन से कमरे में चली गई यार? मेरे को यार थोड़ा देखना पड़ेगा, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लिटरली। हाँ, लेकिन आई थिंक अब दूसरे रूम में चली गई, अब वो सामने नहीं है। तो चलो फटाफट वो लोग यहाँ से चलते और अपना काम करते एंड यहाँ से निकलते। ओके, तो ये रही वो मशीन। एंड इसमें फटाफट अपन लोग को सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर का यूज करके इसको ओपन करो एंड इसका वायर कट करो। ओके भाई, 100 वोल्ट की करंट लग जाएगा। अच्छे को मेरे को वायर कटर का पता चल गया। एंड इस वाली कैसेट को लगा दो और इसको रख लो। ओके, तो हिंदी में कैसेट बोलते यार इसको, मैं मेरे को नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते। तो चलो फटाफट यहाँ से अब भागो। ओके, तो भाई अब ये दूसरे गाने की प्लेलिस्ट लग गई है, मतलब कि अब इसमें नॉर्मल गाना नहीं बजेगा जो टीचर जाएगी, अब इसमें दूसरा गाना बजेगा। तो रोबोट गाने के हिसाब से डांस करता है, जैसा गाना वैसा डांस, और मिस्टी को ऐसा डांस आता ही नहीं है। ओके भाई, अब काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार। ये वाला टास्क में भाई इसका बॉयफ्रेंड नहीं पिटा, वरना हर टास्क में इसका बॉयफ्रेंड ही पिटता है, लेकिन अब ओनली स्केरी टीचर पिटेगी, वो भी रोबोट के हाथ से। तो रोबोट को मार भी नहीं सकती, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो ओके, अभी टीचर सीधा नीचे आ रही है और अभी डांस करेगी। भाई साहब काफी ज्यादा मजा आएगा यार, इस बार उसका बॉयफ्रेंड नहीं पिटा, मतलब कि यार हर बार उसका बॉयफ्रेंड ही पिटता था। चलो अब काफी ज्यादा मजा आएगा। और फाइनली टीचर नीचे भी आ गई एंड अब टीचर करने वाली है डांस। तो चलो अभी इंट्रो चालू हो चुका है। एंड ये रहा भाई वो गाने बजाने वाली मशीन। ओके, इसमें फटाफट इसने चालू कर दिया इसको। एंड अब देखो रोबोट आ गया भाई, रोबोट का मोड ऑन हो गया। और ये देखो भाई, अब कर रहा है रोबोट भाई गाने के हिसाब से डांस, फास्टेस्ट डांस। भाई टीचर को पंखा बना के फेंक दिया सीधा बाहर। भाई काफी मजा आया। तो भाई शेयर वाले आज के इस वाली वीडियो में, तय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।